मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल, बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है। यूपी के 21 जिले बाढ़ की चपेट में, अपनी सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद बृजभूषण, जुबान बंद है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है, ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले, लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल, बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। आप अभी जिस नेता को सुन रहे थे, ये है बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो यूपी में अपनी ही योगी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। दरअसल यूपी के 21 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, और जब सांसद ने गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो घोर लापरवाही देखकर अपनी ही सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर बृजभूषण शरण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ को लेकर अपने जीवन में इतनी बद इंतजामी कभी नहीं देखी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुछ बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल, बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है। बीजेपी सांसद के इस बयान के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यूपी में नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके ट्विटर अकाउंट पर लगातार पोस्ट जारी कर पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा उनकी ओर से किया जा रहा है, साथ ही लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। लेकिन यूपी के 21 जिलों की ये बाढ़ की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बाढ़ को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सांसद के इस बयान के सामने आने के बाद आगे उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लाइव लगातार के लिए रांची से रेखा मिश्रा की रिपोर्ट।